टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को भारत ने जर्मनी को हॉकी में हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। इस मैच में जीत के साथ भारत ने 41 साल बाद इतिहास बनाया है। टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से मात देकर मेडल अपने नाम किया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। पंजाब से लेकर मणिपुर तक लोग इस जीत पर झूम उठे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण हरियाणा के लिए भी यादगार रहेगा, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम में कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र कुमार और सोनीपत के सुमित कुमार भी खेल रहे थे। इस जीत के साथ ही देश का ही नहीं हरियाणा की हॉकी टीम का भी एक नया सफर शुरू हुआ है। इस जीत के बाद कुरुक्षेत्र में सुरेंद्र के घर पर ढोल नगाड़ों से जश्न मनाया जाने लगा। वहीं खेल मामलों के मंत्री संदीप सिंह व थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने भी सुरेंद्र के परिवार वालों को बधाई दी। इस मौके पर दिखाते हैं सुरेंद्र के परिजनों व दोस्तों ने क्या कहा। ठीक है भाई। भाई हमारा लड़का उसमें खेल रहा था और हमारे विधायक जी हमें मिलने आए, इसकी हमें बहुत खुशी है। हमारा सारा कुरुक्षेत्र खुश है, सारा देश खुश है, सारा हरियाणा खुश है, सारा देश खुश है, सारा हरियाणा खुश है, सारा आर्ट सेक्टर, सारा कुरुक्षेत्र खुश है। मतलब आज इतनी खुशी है। कितनी मेहनत कर देना चाहती हूँ सारे देश को भी। सुरेंद्र कुमार ओलंपिक में तीसरा मेडल तो लेकर लौट रहे हैं और जी बहुत खुशी है मना भी। उन्होंने आज मेरी कई बात पूरी कर दी, इतनी खुशी है मना, बहुत ज्यादा इतनी खुशी मना जी दुल्ला मिला था जद नहीं हुई थी। आज है बच्ची, धन्यवाद। दोनों भाई 2004-05 से हमने हॉकी स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में हमारा फैमिली स्पोर्ट बिल्कुल जीरो था, क्योंकि हमारे पास एक टाइम में हॉकी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारी फैमिली में। तो उस टाइम में मेरे एक अंकल थे, वो आज भी BBMB में काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे को हॉकी सिखला के दी थी। और उसके बाद से फिर हमने मेहनत की, हार्डवर्क किया, हमने दोनों ने अपनी फैमिली का, अपने देश का नाम रोशन किया। और उसके बाद हमने 2012 में दोनों ने नौकरी ज्वाइन की गवर्नमेंट में। मैं खुद सेंट्रल पुलिस में जॉब करता हूं और मेरा भाई आज FCI में एज ए मैनेजर वर्क कर रहे हैं। क्षेत्र का नाम रोशन भाई किया, इसके लिए बहुत बड़ी मुबारक देता हूं पूरे परिवार को, और ख़ासतौर पे हमारे उनके बहू जी मकान जी मेरे बहुत ही प्यारे साथी हैं। और जब वो पहले ही मैं इसी मकान में अब ये बन रहा था तो मैं हमारे को देने, तो आज इन्होंने उसने फिर हमारी जो हमारी मन की आशा थी, जो मन की हमारी इच्छा थी, प्रभु की कृपा हमारे पे जो बरसनी थी वो आज हमारे पे बरसी। इसके लिए बहुत बहुत परिवार के मार्गदर्शन, जहाँ उसने पूरे देश का नाम रोशन किया, पूरे प्रदेश का नाम किया, और क्षेत्र की भूमि का नाम बहुत बड़ा रोशन किया। मैं भाई सुरेंद्र के परिवार को बहुत बहुत मान लेता हूँ। बहुत बड़ा त्याग दिया उत्तरा जी ने दोनों बच्चों को खेलने के लिए, किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, इतना फाइनेंस की जो पड़ी जो भी पड़ा, माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा केयर है। आज माता पिता जी का मैं भी इनके शिवे लेने आया हूँ कि उस दिन मैं जब बैठा था तो उन्होंने कहा था भी किसी मैं जो मांगूंगा मुझे भी आपने दरवाना है। तो मैंने कहा जी आज आपने जो बात कही थी ना, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी के आगे आपकी बात रखूँगा 100% जो मेरे से होगा जोरदार आपकी बताएंगे, आपकी बात को मनाऊंगा। ये मेरे मकान जी का पूरा जोर लगाएंगे उस बात के लिए। आज पूरे गाँव के अंदर, पूरे हमारे 7-8 में चार पूरे क्षेत्र के अंदर खुशी गिला रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।